एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक ऐसा गेम, ऐसा लकी जेट गेम रिकमेंड करना चाहता हूं, जिसे खेल के आप डेली कुछ ना कुछ अर्न कर सकते हो, जिसे खेल के मैं अर्न करता हूं। तो साइट का नाम है वन विन एंड उस साइट पे जो गेम खेलते हैं दैट इज लकी जेट। और इस साइट पे मैंने पहले से 3000 रुपीज एड कर रखे और वो कैसे किए ये मैं आपको बताता हूँ पूरा प्रोसीजर। गाइस आप यहां पे देख सकते हो ऊपर डिपॉजिट का बटन है, तो डिपॉजिट पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना पेमेंट मेथड चूज करना है। फॉर एग्जांपल मैंने पेटीएम चूज कर रखा है एंड फिर हमें डिपॉजिट कर देना है। उसके बाद हमें सीधे जाना है अपने फेवरेट गेम पे व्हिच इज ऑफ कोर्स द लकी जेट। यहां पे देखिए मुझे दो बेट खेलने में 1500-1500 की दो बेट खेल दे रहा हूं। इसमें थोड़ा सा इंतजार करना है मुझे एंड ये देखिए हमने जीत लिए 2325 रुपए। सो अब हम आपको दिखाते हैं दूसरी बेट जो ऑलरेडी हमने खेल रखी है। तो यस, इसमें भी हमने जीत लिए 3195 रुपए। तो देखो कैसे मेरा प्राइस डबल हो गया। अब मैं बताता हूँ जीता हुआ पैसा विद्रॉ कैसे करना है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे विद्रॉ दे रखा है, आपको विद्रॉ पे क्लिक करना। और विद्रॉ पे एक बार क्लिक करोगे तो उसमें डिफरेंट मेथड दे रखे होंगे विद्रॉ करने के। आपको जो भी मेथड कन्वीनियंट मेथड से विद्रॉ कर सकते हो। मैंने इसमें पेटीएम ऑलरेडी सेलेक्ट कर रखा है, तो कुछ नहीं करना है, आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी है एंड उसके बाद जीता हुआ पैसा डायरेक्ट आपके अकाउंट में। तो आप भी इस ऐप पे गेम खेल के पैसे अर्न कर सकते हो। साथ ही साथ ये जो मेरा प्रोमो कोड डिस्प्लोर अगर आप इसको यूज करते हो तो मिलेगा 2500 रुपए का डिस्काउंट। देखो जो पैसे मैंने विद्रॉ करे थे वो अकाउंट में आ चुके हैं। बाय द वे अभी खेलो लकी जेट ऑन द साइट वन विन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, बाकी प्रोमो कोड आपको पता ही है। सो फटाफट जाओ गेम खेलो और पैसे अर्न करो। और क्या खूबसूरत शाम हो रही है। मोस्टली आजकल जो अपना व्लॉग है वो शाम से ही शुरू हो रहा है। और आज हम लोग कहाँ जा रहे हैं, सबसे पहले लाइट जला लेते हैं उसके बाद बातें करते हैं। आय हाय पूरा दिन कर देती है भाई ये लाइट। तो अभी तो स्टिल शाम हो रही है तो इतना पता नहीं चल रही है। रात होती ना भाई ऐसा लगता है कि एकदम दिन हो गया है। सो बाय द वे जेट भैया लखनऊ में इस टाइम, और लखनऊ आए हुए हैं। जितने बार भी वो लखनऊ आएंगे हम उनसे मिले ना, ऐसा हो नहीं सकता है। तो वो अपनी आगे की जर्नी कंटिन्यू करेंगे। बाय द वे आज का उनका स्टे लखनऊ में होने वाला है, इसलिए अभी हम वहीं जा रहे हैं। रेस डायनेमिक्स लखनऊ जेट भैया से मिलेंगे। उनकी भी बाइक आने वाली है, मेरी भी बाइक आने वाली है। तो दोनों भाइयों की सुपर बाइक की डिलीवरी डेट आने वाली है। आप लोग को भी मिलवाते हैं, बात करवाते हैं उनसे थोड़ा, और जेट भैया से गैस मरवाते हैं कि कौन सी सुपर बाइक आ रही है अपनी। इधर से जाऊं कि उधर से जाऊं कि इधर से जाऊं, इधर ही चलो। उधर से एक्चुअली रास्ता पतला है। समटाइम्स इट्स नॉट ऑलवेज गुड टू बी राइट, कभी कभी लेफ्ट भी लेना चाहिए लाइफ में, तो वो डिसीजन ज़्यादा बेटर रहता है। चलते हैं। इसका नाम मैं भाई ड्यूक से सुपर ड्यूक रख दूंगा, क्योंकि ये मुझे फील कराती है कि मेरे पास सुपर पावर्स हैं। मतलब ऐसा भागती है ना ये, जितने बार चलाता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि यार हर ब्लॉग में ये ड्यूक की तारीफ ही करता है। है भाई, ये उस काबिल है, ये चीज़ ही ऐसी है, क्या करें भाई। चलो बाप रे। और बेस्ट चीज़ पता है क्या हुई है, एग्जॉस्ट लगने के बाद भी आवाज़ ख़राब नहीं हुई है, क्योंकि अंडर बेली लगा है। देख रहे हो कितनी सेक्सी आवाज़ आ रही है, क्या रैप हो रही है, मज़ा ही आ जा रहा है। चलो सीधा वहीं मिलते हैं अब। कैसे भैया कैसे हमने पर्दे वर्दे ढक दिए। दो मिनट भी पहले आता ना भाई नीतीश भाई ने पूरा सस्पेंस खत्म कर दिया। अरे खाइए खाइए खाइए, आप खाइए, मेरी मर्जी से, मैं जिसको देना होगा उसको दूंगा। तुम्हें खाना है, सो रहे हो क्या, उठ जाओ। अरे अरे क्या कर रहे हो। तो हम लोग जट भैया से पूछने वाले थे कि कौन सी आ रही है, बट अब मुझे लग रहा है कि नीतीश भैया ने नहीं, पता नहीं, नहीं हमें लग रहा है जट भैया को पता है पूरा प्रॉपर। अब तक तो मुझे लग रहा है फोटो भी दिखा दी होगी नीतीश भैया ने। अच्छा भाई आपने डेट क्या रखी है रिवील की, बाइक की? हाँ कब, 3 मिलियन होते ही
कि उससे पहले करना पड़ेगा, 3 मिलियन तो होने नहीं वाले थे, टाइम लगेगा उसमें और हम रुक नहीं सकते अपनी बाइक के लिए, तो पहले करना पड़ेगा भाई। अब तो नहीं तो मुझे लग रहा है S2 आते हैं फिर तो 3 मिलियन हिट होने ही है तुरंत, इंस्टेंटली हो जाएंगे इतना ज्यादा। मैं भी इसी राइड पे निकला ना, कोशिश करूंगा इस राइड पे 3 मिलियन करके वापस आऊं, नहीं तो वापस नहीं आऊंगा। नहीं लेकिन एक बात बताओ भाई, बाइक आ कौन दे रही है? वही तो बता रहा हूं, कौन दे आ रही है? F1000 आ रही है मेरा ना, इसने तो डुकाटी दिया है तुम्हें पता है कौन सी बाइक आ रही है? कौन सी बताओ, सच में तो नहीं पता इसको भी, इसको पता होगा, इसको सारी खबर रहती है। एक बार इसने मेरी बाइक रिवील कर दी थी पहले ही, डाला नहीं था इसने, ये मैं व्लॉग कर रहा था ये बोल दिया उसने, मैंने ध्यान नहीं था, मैंने अपलोड कर दिया व्लॉग, इसको पता था कौन सी बाइक, बाद में सब कह रहे सही था ये ये फीफा वाला ऑक्टोपस बन गया है, पहले ही बता देता है पहले ही काम खत्म। तुमने सारी बाइक देख ली होंगी कौन कौन सी खड़ी है? सही है सही है बेटा, तेरी बाइक भी यहीं कहीं खड़ी होगी भाई। नहीं मेरी छुपा के रखी है मैंने, नीले रंग के कवर में खड़ी है तो मेरे को पता है वो खड़ी कहाँ है। नीले रंग के कवर में है क्या भाई? इसकी मैं बता दे रहा हूँ भाई, अभी मत बोलिए लोग आने लगते हैं देखने में, पहले बताले आगे कोई उठा के चेक कर रहा है भाई, जो भी यहाँ आ रहा है नीले रंग के कवर के अंदर जो बाइक है वो इसकी है, उठा के देख लो जो मर्जी कर लो, ये बाद में तुम्हें मारेगा पीटेगा ना, तुम पहले उठा के देख लो भाई। नीले रंग के कवर में एक ही बाइक खड़ी है जेट भैया की बाइक ही खड़ी है नीले रंग के कवर में, नीले वाला लाल पे आ गया, लाल नीले पे आ गया, सही बात है। लेकिन खड़ी कहाँ थी भाई? यही खड़ी है, नीचे खड़ी करी क्या? दही छुपा के रखी है नीचे, सच में नहीं है शोरूम पे नहीं है भैया, बता दो यार। अरे जेट भैया क्यों छुपाऊं, शोरूम पे नहीं सच में, नहीं है नहीं है। नीतीश भैया कुछ नया ट्राई करवा रहे हमें, और ये बताओ आलू है क्या है? ये लग आलू रहा है लेकिन आलू है नहीं, ये आलू के बेस में कुछ और है। हाँ इडली है ये, क्या है? मजा आ गया दिखने में आलू है लेकिन है कुछ और, वैसे सेम जैसे ये बाइक दिख रही है 1000 आ रहा है लेकिन है कुछ और, सही बात है। नहीं, ये देखो दिख रही है डुकाटी पहने के लिए लेकिन है कुछ और, है कुछ और पता नहीं क्या है भाई, इतने दिन से हम लोग घुमा ही रहे कौन सी बाइक आने वाली है। अब ये क्या और वो क्या था? हिमालय का लावा है और वो क्या था? 15 एक्सेसिबल फ्लोर है वरना 17 है, 13 के बाद जान जीने तभी तो 17 हुए। चलिए चलिए चलिए, आज है कंपटीशन होगा, कंपटीशन होगा। ये देखो पैसे देके नंबर बढ़वा रहे हैं लोग अब। अबे यहाँ पे लोग नंबर बढ़वा रहे हैं वहाँ बैठ के। और क्या सही तो है मेरा एकदम। तो हमने पार्टी वार्टी करी एकदम बढ़िया से, एंजॉय किया, और ऑन हो जाए यार
हाँ, उसके बाद जट भैया निकल गए अपने होटल, क्योंकि उनको सुबह आज राइड कंटिन्यू करनी थी। एंड हम लोग आ गए वापस घर अपने। तो मैं अब जा रहा हूँ व्लॉग एडिट करूँगा आराम से, और मैंने कहा इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो, और हेलमेट लगा के एंड कर रहा हूँ घर के अंदर क्योंकि बाइक से आया हूँ जस्ट अभी। सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लो। सी यू सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय। और वो डेट्स आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएंगी जब भी रिवील होने वाली है मेरी बाइक, और इंस्टाग्राम मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, नीतीश भैया के इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी, दैट मीन्स रेस एंड मिक्स लखनऊ के। और मैं यूट्यूब पे भी मोस्ट प्रॉब्ली अपडेट कर दूंगा कि मीटअप कब होने वाला है। 90% संडे को हो सकता है, जैसे आज थर्सडे है तो फ्राइडे सैटरडे दो दिन बाद बाइक रिवील हो रही है। बहुत दिन मैंने अपने दिल में रख ली, अपने सीने में रख ली, अब इट्स फाइनल नाउ। चलो